आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पुलिस थाना चौराहे पर सिग्नल और ट्रैफिक क्षेत्र में कैमरे लगाए जाने हेतु कलेक्टर के नाम दिया पत्र। सनावद विकास संघर्ष समिति ने थाना प्रभारी एवं सीएमओ के नाम भी दिया पत्र। मुख्य मार्गों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारिक सहयोग से लगाए जाए सीसीटीवी कैमरे। अंडरपास को भी जाम से बचाने हेतु व्यवस्थित किया जाए। सनावद नगर के पुनासा रोड एवं इंदौर खंडवा रोड संगम एवं पर स्वचालित रोड सिग्नल और कैमरा लगाने और नगर के अन्य प्रमुख बिंदुओं पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने के संदर्भ में सनावद विकास संघर्ष समिति एवं अंकुर फाउंडेशन कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के नाम पत्र थाना प्रभारी श्री इंद्रेश त्रिपाठी को थाना परिसर में सौंपा। साथ ही परिवहन मंत्री और लोक निर्माण विभाग को भी प्रतिलिपि भेजी गई। टीआई श्री त्रिपाठी ने समस्या समाधान को उचित बताया और उच्च स्तर पर चर्चा कर निराकरण की बात कही और आगे भी जनसुविधा और वृक्षारोपण के कार्यों में अग्रसर रहने का वादा किया। समिति के जाकिर हुसैन अमी डॉक्टर राजेंद्र पलोड ने बताया कि सनावद में यातायात का अत्यधिक दबाव होने के कारण पुलिस थाना चौराहे और पुनासा रोड रेलवे क्रॉसिंग पर प्रायः जाम की स्थिति बनती है। पुलिस बल कम होने की दशा में और स्थिति और भी भयावह हो जाती है, क्योंकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, संत सिंघाजी धाम और हनुमंतिया पर्यटन स्थलों पर जाने का मार्ग भी यही है। यदि ऐसी दशा में कुछ जवान ट्रैफिक नियंत्रण में लगा दे तो कानून व्यवस्था में भी गतिरोध आ जाता है। अतः अविलंब विद्युत चलित ट्रैफिक सिग्नल लगने चाहिए एवं श्रावण मास में लगातार ट्रैफिक जाम होना तय है। रेलवे क्रॉसिंग और चौराहे पर कैमरे लग जाने से वाहन डबल लाइन या ट्रिपल लाइन लगाकर वहां ट्रैफिक जाम नहीं कर पाएंगे और त्रुटि होने पर उनका आसानी से चालान बनाया जा सकेगा, ताकि आम आदमी सुकून से रोड क्रॉस कर सके। साथ ही थाना प्रभारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम भी एक पत्र दिया गया, जिसमें नगर के अन्य प्रमुख बिंदुओं पर सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारियों के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं कॉलोनियों में कैमरा लगाने के बारे में अनुरोध किया गया। समिति के लक्ष्मीकांत राठी, अंजुमन सदर शेख शाकेरीन ने कहा कि नगर के प्रमुख मार्गों और प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर प्रशासन व्यापारियों के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगे, जिससे पूरा रोड सुरक्षा की दृष्टि से कवर हो जाएगा और प्रतिष्ठानों की भी सुरक्षा हो पाएगी। इस आशय हेतु जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कुछ समय पूर्व अभियान भी विभिन्न थाना क्षेत्र में हुआ था, लेकिन बेहतर परिणाम प्राप्त होना बाकी है। साथ ही कॉलोनियों में भी कैमरे लगाए जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अंडरपास मार्ग नगर पालिका द्वारा दुरुस्त कर संकेतक लगाकर ट्रैफिक डाइवर्ट करने की बात ब्रांड एम्बेसडर जाकिर अमी द्वारा की गई। राकेश गहलोत, प्रणव व्यास, भूपेंद्र चतुर्वेदी आदि समिति सदस्यों ने कहा कि ट्रैफिक जाम से निराकरण हेतु पुनासा मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास हेतु जनसुनवाई में 27 जून 2023 एवं 23 जनवरी 2024 आवेदन प्रेषित किया था एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बलवाह को निराकरण हेतु निर्देश भी प्राप्त हुए थे, लेकिन अभी भी समस्या जस की तस है, जिसे अविलंब संज्ञान लेकर जनहित में रेल प्रशासन से रेलवे ओवरब्रिज तथा अंडरपास की मांग करने हेतु उचित कार्यवाही की जाए। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।